नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। गत दिनों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की समीपस्थ ग्राम पंचायत खटिया जनपद पंचायत बिछिया में चल रहे शासन की विभिन्न विकासोन्मुखी योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के मौका मुआयना एवं स्थल निरीक्षण करने आए यहां पर पदस्थ सहायक यंत्री अरविंद कुमार गोस्वामी ने पंचायती राज न्यूज मंडला के चीफ ब्यूरो सत कुमार ठाकुर को एक मुलाकात में बताया कि केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार की तमाम विकासोन्मुखी योजनाओं का यहां पर तकनीकी अमला एवं विभागीय अधिकारियों के निर्देशानुसार पूर्ण किया जा रहा है। यहां पर निवासरत बैगा जनजाति के परिवारों को शत प्रतिशत प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जा रहा है। बैगा जनजाति आज भी अपने कच्चे छोटे छोटे मिट्टी के खपरेली मकानों में रहकर अपना गुजर बसर चला रहे हैं। इन्हें शासन एवं प्रशासन के द्वारा हरदम मदद दी जा रही है। इनके सर्वांगीण विकास को लेकर जमीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा है। जिला कलेक्टर मंडला, जिला पंचायत मंडला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में लगातार योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यहां पर निवासरत बैगा परिवारों के प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2011 की सर्वे सूची में चिन्हांकित हितग्राहियों को ग्राम पंचायत के द्वारा तैयार कर शासन स्तर पर भेजा जा रहा है। जैसे गरीब परिवारों के नामों से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होते जाएंगे, वैसे हितग्राहियों की सुविधाओं को देखते हुए इनके आवासों को पूर्ण किया जाएगा। जनपद पंचायत बिछिया क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में लेबर बजट को ध्यान में रखकर यहां पर स्थानीय स्तर पर गरीब मजदूरों को पंचायत के माध्यम से काम दिया जा रहा है, जिससे गरीब मजदूरों का बाहर पलायन करना बंद है। इन्हें स्थानीय ग्राम पंचायत में पर्याप्त रोजगार कार्य प्राप्त हो रहा है। मौका मुआयना एवं स्थल निरीक्षण के दौरान यहां पर संबंधित क्षेत्र के उपयंत्री एवं स्थानीय ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक की उपस्थिति रही। भाई, अपना नाम बताएंगे आप? समारू लाल जी। कौन समाज के हैं आप? बैगा है। ये जो मकान बन रहा है, कौन सा मकान है? आवास, प्रधानमंत्री आवास। कितनी राशि आपको अभी तक मिली बैंक खाते में? बैंक खाते में तो लेबर की पेमेंट नहीं मिला। नहीं मिला है आपको? अभी तक कितना पेमेंट मिला यहाँ पर? पूरे चार किस्त। चार किस्त आ गई है। हम आज ग्राम पंचायत खटिया जनपद पंचायत बिछिया के अंतर्गत बेगा बाहुल टोला खटिया में हम प्रधानमंत्री आवास जो हितग्राहियों को शासन के द्वारा लाभान्वित करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है, यहां पर उपस्थित सहायक मंत्री आदरणीय अरविंद गोस्वामी जी जानना चाहेंगे। गोस्वामी जी, आज जो अपन यहां पर प्रधानमंत्री आवास की स्थिति देख रहे हैं, यह आवास लक्ष्य के अनुसार कितने दिन पूरा हो जाएगा? यह आवास लगभग हमारा 95% पूरा हो गया है। इसमें मात्र केवल पुताई और दरवाज़ा लगना बाकी है, जो कि मतलब कि दरवाज़ा भी इनका रखा हुआ है जो कि लग जाएंगे। तो वो मैं समझता हूँ कि 4-5 दिन में हमारा ये आवास पूर्ण हो जाएंगे। सर, यहाँ पर रोजगार सहायक, सर अपना नाम बताएंगे आप? संदीप यादव सर। यादव जी, जब आवास बन रहा है जी, ऐसे कितने आवास इस ग्राम पंचायत में स्वीकृत किए गए हैं? इस वर्ष में 31 आवास है सर। अच्छा, जो बैगाओं के कितने हैं? बैगाओं में इसमें 18 जो उनकी स्थिति क्या है आज? ये सभी मतलब कुछ सेंटरिंग लग रही है, लेंटर होने को है, कुछ में प्लास्टर हो रही है। लगभग मतलब ये है कि 15 दिन के अंदर काफ़ी जो है प्रोग्रेस हो रहा है। सर अपना नाम बताएंगे आप? जी, मेरा नाम सुनील डोंगरे। डोंगरे जी, आप चूँकि तकनीकी हम लोग पेंत्री यहाँ पर हैं, ऐसे निर्माण कार्यों को देखने कितने बार आप आए हुए हैं? मैं हफ्ते में 2-3 दिन लगातार आते रहता हूँ सर, निर्माण कार्य देखने की गुणवत्ता बनाए रखने। ये बन रहा है, ये क्या वास्तव में गुणवत्ता युक्त है? जी, इसकी क्वालिटी पर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। हितग्राही खुश हैं? जी जी।